हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि 9 अगस्त को क्या हत्याकांड हुआ है हमारे इंडिया में, कोलकाता का हुआ है। ट्रेनी डॉक्टर, आप लोग ने सुना होगा, जो इस समय बहुत चर्चा में है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ बेटियाँ सेफ नहीं हैं, और ना तो माँ बाप कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे, और शिक्षा देने के बावजूद वो बाहर निकलेंगे कैसे, वो पढ़ाई करेंगे। हर छोटी बड़ी बेटियों के लिए डर है। बताइए दोस्तों, 9 अगस्त को जो आरजी हॉस्पिटल है, जो कोलकाता का मेडिकल कॉलेज, वहाँ ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, उनके साथ रेप हुआ। बताइए, इतनी बुरी हालत में दोस्तों, इतनी बुरी हालत में उनको जगह जगह काटा गया, उनको जगह जगह काटा गया दोस्तों, और जगह जगह काटा गया, मुंह में कपड़ा ठूसा गया, प्राइवेट पार्ट्स से उनके ब्लड निकल रहा था। बहुत बेचारी, बहुत दर्दनाक मौत दी। पहले उनका रेप किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। और सेमिनार, वो 8 अगस्त को अपनी माँ से बातें करी थी। 8 अगस्त की बात है दोस्तों, ऐसे खबर आई है कि 8 अगस्त को अपनी मम्मी से बातें करी थी, हाल चाल लिया, खाना खा लिया, हाँ बेटा खा लिया। तो फिर वो कह रही थी उनकी माँ कि अब बहुत रात हो गई है, तुम भी खाना खा लो। तो वो दोस्तों, वो चली गई कि मैं खाना बाद में खाऊंगी, मुझे राउंड पे जाना है। मरीजों से बहुत लगाव था उनका, तो वो मरीजों को देखने के लिए चली गई। फिर उनको शायद थकन सी महसूस हो रही थी, तो वो फिर लेटने के लिए गई, मैं आराम कर लेती हूँ, सेमिनार मेडिकल कॉलेज में ऊपर बिल्डिंग में, वो शायद आराम करने गई। और अगले दिन 9 अगस्त को दोस्तों, वहाँ पे कुछ लोगों की नज़र पड़ी, तो उनको अर्धनग्न कपड़ों में देखा गया, बहुत से चोटों के निशान थे, जगह जगह काटा गया, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। सो दोस्तों, इतनी बुरी हालत में उनको पाया गया। तभी उनके पिता को फ़ोन करा गया था कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो भी बहुत ताज्जुब हो रहे थे, माँ भी बहुत ताज्जुब हो रही थी गाइस, कि रात में तो बेटी से बात हुई और ऐसे कैसे तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तब तक तो ये तो खबर है, इंडिया में वैसे भी फैल जाती है ऐसे वैसी बातें, सभी के मुंह जुबान पर, सबको ही दुख हो रहा है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। तो और इनके पिता और मेडिकल कॉलेज और इनके पिता, समझिए दोस्तों, ऐसे सुनने में आया है कि इनके पिता एक दर्जी थे, बेचारे बड़े संघर्ष के साथ, एक माता पिता की इकलौती बेटी, और इनके पिता एक दर्जी थे, दिनों रात सिलाई का काम करते, अपने बच्चे को, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए दिनों रात एक कर देता है दोस्तों, और बहुत पढ़ाया, इतना पढ़ाया दोस्तों कि समझिए, बहुत पढ़ाया कि बेटी को इतने कोलकाता जैसे आबादी शहर में, उपनगर से सौदेपुर से आरजी का तक का सफ़र इन्होंने, इनकी बेटी ने तय किया। और सुने, गरीबी से ये लोग बहुत उबर रहे थे, धीरे धीरे अपने पापा को बहुत खुश रखना चाहती थी कि जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया, मेरा हक बनता है। ये बेटी ऐसा सोच रही थी कि मैं अपने पापा मम्मी की गरीबी को दूर करूं। तो गाइस, लेकिन ये सपना ही रह गया। इन्होंने घर थोड़ा सही कराएगा, और सुन रहे हैं कि कार भी ली उनकी बेटी ने अपने मम्मी पापा के लिए। हर माँ बाप करते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि बेटा ही करते हैं, बेटियाँ भी करती हैं, लेकिन इनके सपने अधूरे रह गए। उनकी माँ का बहुत बुरा हाल है, बाप का बहुत बुरा हाल है दोस्तों। ऐसे लोग को तो बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बताइए, हर कांड ऐसा हो जाता है, ऐसी निर्भया कांड हुआ था, ऐसी अब ये कांड हुआ है, बहुत बुरे। हमारे देश को पता नहीं क्या हो गया है, कैसे आज की जनरेशन हो गई है दोस्तों, कि इतने उलूल जुलूल, ऐसी सोच, ऐसे क्या उनके माइंड में आता है, क्यों ऐसा कर बैठते हैं, क्या उनकी सोच है,
सरकार को सख्त सख्त कड़ा फैसला लेना चाहिए हम घर बेटियों के लिए, ताकि वो फ्री होकर आज़ादी से पढ़ें लिखें, घूमें फिरें, अपनी मर्जी से उठ बैठ सकें। ऐसे तो कोई भी नहीं बाहर निकलेगा दोस्तों, कोई भी अपना कोई लड़की ऐसे जीना छोड़ देगी। जब तक छोटे हैं तब भी बेटियां महफूज नहीं हैं, अब बताइए बड़े होकर बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ बाप को भी चिंता लगी रहती है, बच्चे अपने सपना पूरा करने के लिए जा रहे हैं, बाहर उनके साथ ऐसा हो जाता है, किसी ने क्या देखा। सो गाइस, सभी जनता पब्लिक से मेरा तो यही है निवेदन, जो मुझे ऐसे मेरा भी मन हुआ कि मैं इस पर कुछ कहूँ, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सबके घर में बेटियाँ हैं, माँ हैं, बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, बेटियाँ, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है गाइस। इसके लिए सभी मिलके आवाज़ उठाएं, जिसने भी ये किया है उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी सी कड़ी, जितनी भी कड़ी सज़ा दे सकते हैं सरकार उतनी ही कड़ी सज़ा दो, ताकि ऐसा करने से सबका हाथ कांपे, रूह कांपे कि ऐसा हम कि ना करें। आगे मिलते हैं अगले ब्लॉक में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब जो हो गया उनके पापा मम्मी को तसल्ली दे, धीरज बंधाए, ईश्वर उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू, नमस्ते डॉक्टर।